तो बुंडेसलीगा में इतनी अर्ली लीप्जिग वर्सेस बायर्न का क्लैश होना, इतना बड़ा क्लैश, इतना लिटरली कितना बड़ा क्लैश था अगर किसी को आइडिया भी ना हो। नॉट ओनली लीप्जिग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्ट ड्रिंक रेडबुल ने स्पॉन्सर करा और जो कितनी आगे बढ़ चुका है, अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। काफ़ी काफ़ी क्लब्स 1880s से पता नहीं कब से अपनी घिसवा रहे हैं बट उस लेवल तक पहुँच नहीं पाए, बट एक स्मार्ट वर्क, एक स्मार्ट पीपल अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, काफ़ी कम टाइम, हार्ड वर्क करना पड़ता है ऐसी बात नहीं, बट स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कम समय में कहाँ पहुँच गए बहनचोद, अब डोर्टमंड को भी शायद बायर्न को टक्कर दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। डीएफपी पोकाल जीत चुके हैं, थर्ड फोर्थ आ रहे हैं, चैंपियंस लीग स्पॉट्स। लीप्जिग एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इतना इतना स्मार्ट है अगर देखा जाए। सबसे पहले तो जो कौन सा मैनेजर था पहले, राल्फ हासेनहुतल, ठीक है, सबसे पहले उसको लिया, उसने काम किया इस क्लब पे, उसने थोड़ा इमर्ज किया इस क्लब को, उसने अपनी खुद की रेपो भी बनाई। वो साउथहैम्पटन निकाल गया, वो निकल गया, राल्फ रागनिक आया, फिर उसने एक साल संभाला, उसने काम किया। अब बहनचोद होलियन नागल्समैन, टॉप टॉप जर्मन कोचेस पकड़ रहे हैं, सबको प्रमोट कर रहे हैं, और अब राल्फ रागनिक अंदर बोर्ड में ही काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो और स्मार्ट वर्क बिल्कुल, कोई और कोई भी मैनेजर सैक नहीं हुआ, हर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट भी गया, सब कुछ सही, सब कुछ सही। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन रन करना। और नाउ दे आर पारिंग अप, मतलब पेयर कर रहे हैं अपने आप को डोर्टमंड से, उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड चैलेंजिंग बायर्न म्यूनिख। सारी गेम्स जीते अभी तक बुंडेसलीगा की लीप्जिग और अब बायर्न के अगेंस्ट। तो ये गेम काफ़ी स्पेशल है, नॉट ओनली बिकॉज लीप्जिग की बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बट अब जो इस क्लब ने स्टेप उठाया है, होलियन नागेल्समैन, 32 साल, मैनेजर, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और ये बहुत ही गलत मैनेजर है, बहुत ही स्पेशल है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, इसने काफ़ी इंटरव्यूज, काफ़ी बकचोदिया करी इसने। इसने मुझे बोला और जो तरीका मुझे बहुत फायदा लगता है कि गेम्स को फेजेस में बांट दो, एक्सपेरिमेंट करो, रिस्क लो, जज करो गेम पे ही, और फिर इतने टैक्टिकल अडेप्ट और एप्ट हो, अपनी टीम को ऐसे अडेप्ट करो कि ट्विक्स करो, किसी को फर्क भी ना पड़े। यानी कि इस चीज़ पे ट्रेनिंग करो कि विद इन अ गेम हम काफ़ी टैक्टिकल ट्विक्स करने वाले, रेडी करो, रेडी हो जाओ। ये है जूलियन नागल्समैन की पूरी गेम, कन्फ्यूजन क्रिएट करना, ये है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना, पूरी बहनचोद फॉर्मेशन चेंज कर दी, काम खत्म, ऐसा है। और इस पर काम करता है कौन है, वो सैंड्रो वैगनर कौन है, वो जो बायर्न भी आया था, उससे पूछा था कि भैया तुम कैसे मैनेज करते हो फिर इतना टफ, कह रहा भाई एसी पे ट्रेनिंग होती है हमारी, देख रहे हो। ये कोच काफ़ी इंटेलिजेंट, चेस, काफ़ी बड़े बड़े कोचेस ने इसकी सराहना करी है ना, यंग कोच, जवान लड़ तो हर कोई स्वागत करता है। ऑन दी अदर हैंड निको कोवाच, सेकेंड बेस्ट, सेकेंड चॉइस है ना, बट कोई बात नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन पिछले तो बहुत फार था उसने, बट टॉकिंग अबाउट दिस गेम डायरेक्टली, लीप्जिग वर्सेस बायर्न, अ टैक्टिकल गेम, इतनी फार गेम, ये वीडियो देखना, बहुत फार गेम थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो व्हेन आई लुक एट बायर्न म्यूनिख 4-2-3-1, अब मैं बायर्न की बोलूँ, बायर्न की सिंपल स्ट्रेंथ है, यानी कि विंग सिंपल, गनाब्री, और हमेशा से रही है रॉबिन रिबरी, तो इस बार गनाब्री कुमान, यानी कि पेस है, और इवन इफ यू लुक एट फुल बैक्स, अलाबा, ओवरलैप, अंडरलैप, सब कुछ है, हाई लाइन प्रॉपर विथ सेकेंड स्ट्राइकर लेवेंडोव्स्की, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, विंग स्ट्रेंथ मोस्टली। बट व्हेन आई एम फेसिंग अ टीम जिसकी विंग स्ट्रेंथ नहीं फाड़ हो, इफ आई एम लीप्जिग एंड आई एम गोइंग विद अ 3-4-3 जो यूजली करती है लीप्जिग और नागल्समैन, तो मैं देख रहा हूँ कि रिस्क है यार, क्योंकि पूरा सिस्टम मेरा 3-4-3, यानी कि मेरे विंग बैक्स की बहुत बड़ी डिमांड है ऑफेंसिव मूवमेंट्स में, है ना। तो अगर मैं वो जो बैटल बन रहा है मेरा गनाब्री और हासेनबर्ग का, क्लॉस्टरमैन और कोमान का, अगर वो मैं लूज कर जाता हूँ एज अ लीप्जिग कोच, तो मेरा पूरा प्लान छूट गया, क्योंकि मैं इनको कंट्रोल करने के लिए एक बैक फोर रख नहीं रहा, मैं बैक थ्री जा रहा हूँ, तो स्पेसिस तो अवेलेबल है इनके लिए, तो मैं रिस्क लेता हूँ, ठीक है। तो यानी कि नागल्समैन ने पहला फेज ये उठाया कि रिस्क लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि क्या पता हम होम में हम चूत मार लें इनकी, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ, बायर्न वर रियली स्मार्ट। जैसे कि मैंने एक लिवरपूल वर्सेस बायर्न पिछले साल फर्स्ट लेग एनफील्ड में मैंने एनालिसिस डाला था, और मैंने बोला था कि हाउ प्रेसिंग को कैसे रोकते हैं, और बायर्न ने अपने ही हाफ में पोजीशन रखा, साइडवेज पासिंग करती रही, बहुत बोरिंग था, पासिंग करी, लिवरपूल थोड़ी नर्वी हुई, थोड़ी आउट ऑफ पेशेंट हुई, और फिर डायगनल निकाली, कोमान निकला आगे, चांसेस बनाए ऐसे। तो ऐसा ही कुछ प्लान था अपने हाफ में, क्योंकि क्या है, लीप्जिग एक ऐसी टीम है जिसको अगर तुम हाई टेम्पो पे खेलोगे तो ये चूत मार लेंगे, है ना। अपने हाफ में पासिंग करी, बिल्कुल पोजीशन रखा, निकले,
गनाबरी, फिर चांसेस बने डोमिनेंट लेवेंडोस्की, थॉमस मिलर का इन बिटवीन द रोल्स, फोर्सबर्ग के पीछे बिल्कुल दिख रहा है फाड़, पहला पहला हाफ टोटली इन देयर, बट उसी हाफ में चेंजेस भी किए। पहला था 3-4-3, ठीक है, अब हुआ अब 3-3 हट गया, बस पुलसन और वर्नर थे और विथ बढ़ा दी, तो ऐसे चेंज करते रहे, बट सेकेंड हाफ में क्लॉस्टरमैन को हटा दिया, बैक फोर चेंज, कोई दिक्कत नहीं, बैक फोर चूत मारी, खत्म कर दिया यार, बिल्कुल चांसेस पे मजाक बना रखा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट प्लेइंग बैक थ्री एंड बैक फोर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल गेम एक्सेलेंटली, बहुत डिफिकल्ट है, सही है, बहुत डिफिकल्ट है, काफ़ी टीम्स नहीं कर पाती, उन्हें मेरे को देख लो क्या बात कर रहे हो यार, वो तो बेंच पूरे सीजन नहीं कर पाता, तो ये जो मैनेजर बिल्ड कर रहा है, इतनी फाड़ गेम, टैक्टिकल गेम, ट्वीक्स देखे गेम में, चेंजेस थे, काफ़ी टफ गेम टू रीड, काफ़ी चीज़ें थी ये यार, फुटबॉल यंग मैनेजर्स आ रहे हैं बेंच दिखा रहे हैं। निको कोवाच आई थिंक डिड वेल, बट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, 88 मिनट पे कुटिनियो को क्यों ला रहा है भाई, एंड दे नियरली लॉस्ट द गेम इन द एंड, काफ़ी इवन गेम थी, 12-14 चांसेस बनाई दोनों टीम ने, काफ़ी इवन गेम थी, काफ़ी फार थी, अ गेम ऑफ बोथ हाफ्स, मज़ा आया, बहुत ही फार गेम, बुंडेसलीगा का नाम ऊंचा करा है ना, अच्छी गेम, ऐसी गेम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ना अगर हम क्योंकि टैक्टिक्स बोलते तो हम बोलते सेरी आ, वहाँ पर तो लौड़ा भी कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर तो सारी बॉल दिख भी नहीं रहा, वहाँ पर तो बकचोद, तो बुंडेसलीगा एक प्रॉपर मीडियम अच्छी लीग जिसमें प्रेसिंग भी है, थोड़ा प्रीमियर लीग, थोड़ा ला लीगा, थोड़ा सीरीज मिक्सचर सा, फाड़ गेम, मज़ा आया। नागेल्समैन इस पे आई रखो, बड़ा हरामी लड़का है।